दोस्तों आज हम बात करेंगे नेचुरल बोटॉक्स ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे 30 की एज क्रॉस करते हैं, एजिंग का फर्स्ट साइन दिखता है हमारी आंखों के आसपास, हल्की हल्की बारीक बारीक फाइन लाइंस के रूप में, रिंकल्स के रूप में, और आपकी स्किन एजड दिखने लगती है। और यही टाइम है जो आप अपनी स्किन को केयर करके इन सब प्रॉब्लम को डिले कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी एजिंग प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ एक नेचुरल बोटॉक्स ट्रीटमेंट। ये एक कोलेजन बूस्टिंग एंटी एजिंग फेस पैक है। रिंकल्स, फाइन लाइंस और झाइयों को ख़त्म करने में ये हमारी मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए कोलेजन बूस्टिंग एंटी एजिंग फेस पैक को बनाते हैं। हमें लेनी है 1 चम्मच अलसी। अलसी आपकी स्किन को शाइनी बनाती है, फेयर करती है, रिंकल्स फाइन लाइंस को दूर करती है, और इसमें नेचुरल कोलेजन जो आपकी स्किन को एजिंग से बचाता है। इसे रात भर पानी में भिगोकर आपको रख देना है, और अगले दिन देखिए ये फूल कर रेडी हो गई है। इसमें हमें मिलाना है चावल का आटा। चावल के आटे में नेचुरल फेस स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। यह हमारी स्किन से फाइन लाइंस और रिंकल को हटाने में हमारी मदद करती हैं। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 1 चम्मच शहद। शहद नेचुरली हमारी स्किन को मॉइस्चर करता है। हनी में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो स्किन को एजिंग से बचाता है। 1 विटामिन ई कैप्सूल ऐड कर लें। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है आपकी एजिंग साइन को रोकने का एंड आपकी स्किन में नेचुरल कोलेजन को बूस्ट करने का। तो अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसे मिक्सी के एक जार में डालकर अच्छे से पीस लेना है। इसका एक महीन पेस्ट बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये फेस पैक जो है वो बनके रेडी है। तो चलिए अब इसे यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, इस फेस पैक को यूज़ करने से पहले अपने पूरे फेस को आप क्लीन कर लें। अच्छे से क्लीन करने के बाद आपको इस फेस पैक को अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है। रात को सोने से पहले हमें इसे फेस पैक को यूज़ करना है। तो हमें एक थिक लेयर इस फेस पैक की अपने पूरे फेस पर लगा लेनी है। फ्रेंड्स, इस फेस पैक में हमने जो मेन इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है वो है अलसी। अलसी में नेचुरल कोलेजन होता है। अगर कोलेजन की बात की जाए तो फ्रेंड्स, कोलेजन जो है वो हमारे स्किन में कोलेजन ही होता है जो हमारे स्किन टिश्यूज को आपस में कनेक्ट करके रखता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये कोलेजन कम होने लगता है। तो अगर हम कोलेजन अपनी स्किन को देंगे तो हमको एजिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारी स्किन लंबे समय तक जवान बनी रहेगी। फ्रेंड्स, अगर हम अपने इस फेस पैक को 25 की एज के बाद अगर आप इसे लगाना शुरू करते हैं तो आपकी स्किन पर झुर्रियाँ काफ़ी लंबे समय तक नहीं आएंगी। मतलब 40 और 45 तक आप अपनी एज को डिले कर सकते हैं। तो रोज़ाना आप रात को सोने से पहले इसे आपको लगाना है। इसे लगाने के बाद आपको कोई क्रीम सीरम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कोलेजन बूस्टिंग एंटी एजिंग पैक अपने आप में ही सब कुछ है। तो फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा हमारे को रिज़ल्ट पहली बार में देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना।